हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सीन एन ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कवर करेंगे। तो ये पेपर आज हुआ था, पहली वीडियो में हम 1 से 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को 17 क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछा गया कि बी ब्लैंक टू हेल्प द पुअर, तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन सी ऑट। ए ब्रंट चिल्ड, तो 18 का सही आंसर होगा रीड द फायर ऑप्शन बी। शी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेवर टेल ए लाई। द यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड किटन ऑप्शन सी। इन द सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक द वर्ल्ड हैव, तो क्या होगी ऑक्सिलरी वर्ब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 23, तो इसमें आपको बताना करेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको बताना है नॉट करेक्ट, तो कौन होगा राम हैज गोन टू शिमला ऑप्शन सी। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी, तो क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, आइदर ऑफ दीज पाथ ब्लैंक टू द टेंपल, तो क्या होगा आंसर ऑप्शन बी लीड्स। दे हर सेंस शी वाज ए चिल्ड, तो नाउ ऑप्शन सी। डू नॉट बेल व्हाट हैज पास्ड अवे, तो क्या होगा ऑन ऑप्शन ए। द कलेक्टिव नाउन फॉर वेल्स इज पार्लियामेंट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें यह पूछा गया कि वॉक फर्स्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द ट्रेन, तो राइट आंसर होगा शुड ऑप्शन बी। आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग, तो क्या होगा आचार्य ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी होती है 11। बादल शब्द का पर्यायवाची जलद ऑप्शन सी। ब का उच्चारण स्थान ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, अवधी। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो क्या होगा प्रभाव होना ऑप्शन बी। दिवाले शब्द में संधि, तो कौन होगी दीर्घ संधि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें यह पूछा गया कि अकर्मक और सकर्मक किसके दो भेद हैं, तो किसके हैं क्रिया के। क्वेश्चन नंबर 41, फल के रूप में आम शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो ऑप्शन होगा बी तद्वद। चलिए अगले क्वेश्चन पर 43 पर, तो जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हों, तो उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 43, अनुराग शब्द का विलोम विराग ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सुशब्द बताइए, तो कौन होगा ऑप्शन ए अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 45, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, बर्तनी ऑप्शन डी।
हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द पाक्षिक ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें यह पूछा गया कि यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं देखने में असमर्थ हैं तो कौन सा रोग होगा, निकट दृष्टि रोग ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 49 पर, निम्न में से कौन सी गैस हंसाने वाली, ऑप्शन सी N2O। क्वेश्चन नंबर 50, किस रोग को जांचने के लिए बिडाल टेस्ट किए जाते हैं, तो म्यादी बुखार टाइफाइड ऑप्शन ए। सेटोस्कोप किस दांत पर कार्य करता है, तो सेटोस्कोप तो यह करता है ऑप्शन बी ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम तो ये होता है लाल ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है, तो इसमें जो शामिल होता है दोनों जीवित प्राणी तथा निर्जीव वस्तुएं ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, शुष्क बर्फ कर्सियानिक नाम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 2020 और 2021 की उस महामारी का नाम बताइए जिसमें विश्वभर के लोगों को प्रभावित किया, तो COVID-19। मानव शरीर के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, तो कौन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका जो जब कोई रोग बाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन संगमर कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, तो संगमर कौन होगा एसिड रेन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें यह पूछा गया कि लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्न में से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाव के लिए ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर की मात्रा हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ग्लूकोजेन ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 62 पर, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सर। निम्न कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो विद्युत की सुचालक तो कौन होगी ग्रेफाइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित श्रेणी में आदम का सेब अधिक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किशोर लड़कों में ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्न कौन सी धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है सोडियम। निम्न किन क्षेत्रों में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तंबाकू व चाय उद्योग ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 67 पर, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका जो सही आंसर होगा रिफ्लेक्स एंगल ऑप्शन बी। तो
चलिए 70 क्वेश्चन पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, तो आपको बताने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नंबर की 9 की, तो क्या होगी 1/9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.67। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका जो सही आंसर होगा 96, ऑप्शन बी। 74, तो इसका जो राइट आंसर होगा सेंस के ठिट्टा, ऑप्शन ए। चलिए 75 क्वेश्चन पर, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16। क्वेश्चन नंबर 76, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 77, इसमें आपको बताना है मिसिंग नंबर, तो क्या होगा 10। क्वेश्चन नंबर 78, 5 किलोमीटर। 79, तो क्या होगा 71 ईयर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, तो इसका जो सही आंसर होगा 6, ऑप्शन बी। 81, तो इसका राइट आंसर होगा 60 लीटर, ऑप्शन डी। चलिए 82 क्वेश्चन पर, इसमें आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी 0। तो अगला क्वेश्चन है 83, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 84, ऑप्शन बी होगा। और 85, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 मीटर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।